हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। सो गाइस, आप देख सकते हो कि PK रॉय में जेनरिक 2 के लिए असाइनमेंट का क्वेश्चन आ चुका है केमिस्ट्री के लिए। जिन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया है जेनरिक 2 के एग्ज़ाम के लिए, तो उनको असाइनमेंट जमा करना होगा फॉर द इंटरनल एग्ज़ाम। इंटरनल में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो उसके लिए असाइनमेंट ले रहा है कॉलेज। तो ये क्वेश्चन सिर्फ PK रॉय मेमोरियल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही हैं, बाकी कॉलेजेस के लिए नहीं है। तो आप अगर PK रॉय के स्टूडेंट हो और आपने केमिस्ट्री जेनरिक पेपर में लिया है, तो आप इस असाइनमेंट को बनाकर अपने कॉलेज में जाकर, PK रॉय में जाकर अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करोगे। देखो, असाइनमेंट्स विल बी सेपरेटली सबमिटेड फॉर ईच सेमेस्टर। हर अलग अलग सेमेस्टर के लिए, मतलब 4 सेमेस्टर है, चारों के लिए अलग अलग असाइनमेंट बनाना है अलग अलग फाइल में, और चारों फाइल को जाकर आपको जमा करना है। इसमें क्या है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन थ्योरी फॉर ईच सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4। आपको दो हर सेमेस्टर के लिए थ्योरी पेपर में 3 क्वेश्चन दिया गया, बट आपको सिर्फ 2 ही का ही बनाना है। आप इसमें चूज़ कर लो आपको जो भी अच्छा लगता है, 2 क्वेश्चन उसमें आप असाइनमेंट बना लो, मतलब लिख लो उसके बारे में। और प्रैक्टिकल में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, उसमें सिर्फ 1 पर ही आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सेमेस्टर 1 के लिए, हेसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पोस्टुलेट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी। सेकेंड है राइट पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, एक्सप्लेन शेप्स ऑफ SPST ऑर्बिटल्स, एक्सप्लेन रिएक्टिव इंटरमीडिएट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। और प्रैक्टिकल में आपका एस्टिमेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट इन मिक्सचर। और सेकेंड क्वेश्चन है एस्टरीफिकेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन मोहर्स सॉल्ट बाय टाइटरिंग विथ KMnO4। सो गाइज, अगर मुझसे कुछ पढ़ने में गलती हो जा रही है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं केमिस्ट्री की स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरे लिए ये सब जो वर्ड्स है वो टफ वर्ड्स है, मैंने कभी सुना भी नहीं है, तो अगर मैं गलत पढ़ रही हूँ तो आप देख लेना। देन जेनरिक पेपर 2 में थ्योरी में है आपका एक्सप्लेन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, डिस्कस फॉर वीक एसिड एंड सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग बेस, रिलेशनशिप बिटवीन KH, KW एंड KA, एक्सप्लेन किरचॉफ्स इक्वेशन, What do you mean by solubility and solubility product? Explain nitration and sulfonation of benzene. और generic 2 के लिए आपका practical question है determination of heat capacity of calorimeter for different volume, purification of organic compounds by crystallization from water and alcohol and distillation. तो ये आपका semester 2 के लिए questions था, ठीक है। 2 question में 1 question आपको करना है practical के लिए, और 3 question में 2 question करना है आपके theory के लिए। इसके बाद था generic 3, इसमें आपको 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक। एक्सप्लेन 1 कंपोनेंट सिस्टम, डिस्कस वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम, एक्सप्लेन राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड और खरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। थर्ड है राइट प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइचोनियम सॉल्ट। और जेनरिक के लिए आपका प्रैक्टिकल में है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कॉन्स्टेंट, कंडक्टोमेट्रिक टाइटरेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल के लिए है। सेमेस्टर 4 में पहला क्वेश्चन है डिराइव द रेट लॉन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी डिराइव द रेट लॉ फॉर, ये कैसे लिखा हुआ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्सप्लेन पोस्टुलेट्स ऑफ KTG, राइट जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हाइड्राइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। और प्रैक्टिकल में है सरफेस टेंशन मूवमेंट मेजरमेंट और विस्कोसिटी मेजरमेंट। तो गाइज, ये था पूरा पेपर। आपको अलग अलग सेमेस्टर के लिए अलग अलग स्टिक फाइल में आपको सबमिट करना है। मैंने सबको फाइल भी बता दिया है, और आप पेपर का पूछते हो तो पेपर आपको A4 साइज ही पेपर लेना है, ठीक है। आप लोग सब केमिस्ट्री के हो तो आप लोग एक काम करना, एक साइड वाइट मतलब प्रैक्टिकल वाला पेपर ले लेना, एक साइड वाइट और एक साइड रूल। और बाकी जो अगर कोई और सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटिकल साइंस के, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, तो उनको दोनों साइड रूल चलेगा। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ये सब का के हो तो एक साइड प्रैक्टिकल और एक साइड रूल लेना। A4 साइज का पेपर स्टिक फाइल में आपको जमा करना है, हर सेमेस्टर के लिए अलग अलग। तो आई होप आपके सारे क्वेरीज खत्म हो गए होंगे। अगर कुछ भी और इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट करो। और हाँ, वीडियो को बिना लाइक किए, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए, और बेल आइकन बिना प्रेस किए जाना मत। थैंक यू।